किरस क्या हुआ? उन्होंने फिर से कुछ कहा क्या? किरस प्लीज हौसला रखो, डैड की आदाश अब वापस आने लगी है और अब वो मलिक दीदी को वापस ले आएंगे। फिको वैसा नहीं करेंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे, सारा दिन सब घर में बैठे रहते हैं। हमने उन पर ट्रस्ट क्यों किया? उन्होंने खुद कहा कि वो अपनी स्टैचू बेचकर उन पैसों से स्विट्जरलैंड जाएंगे। तुम मुझे बताओ, वो सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा है, कौन खरीदेगा? हमारा घर भी बिक गया है, कुछ नहीं होने वाला, समझे तुम, कुछ नहीं होगा। मैं जा रही हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। क्या कह रही हो तुम किराज? और तुम उन दोनों की बातों से इतना ज्यादा अपसेट क्यों हो रही हो? तुम देखना, वो खुद हमारे पास आएंगे हमसे बात करने के लिए, वो भी दो दिनों में। अब वो हमारे दुश्मन बन गए हैं किराज। फिको मुझे उनके साथ दुश्मनी नहीं, फ्रेंडशिप करनी है। मुझे लगता है वो मुझे लाइक भी नहीं करेंगे, अब उनके साथ कभी कुछ नहीं होगा। अब मैं यहाँ नहीं रहने वाली। फिको किराज कहाँ जा रही हो? तुमने देखा, उसने अपनी दीदी से हम सबकी कंप्लेन कर दी। और वो कर भी क्या सकती थी, उससे यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कितनी झूठी है वो, हमसे कहा था कि उसकी बहन यूएसए में रहती है। मेरे ख्याल से तो हमें उसके भाई को सबक सिखाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, चलो। अपने भाई से हमारी पिटाई करवाई थी ना, अब ये ले। अरे ये हमसे पंगा लेने का मतलब क्या है, उसे अपना बैग खोलने पर ही पता चल जाएगा। बेचारी। कहाँ जा रही हो तुम? हमसे इस तरह से भाग क्यों रही हो तुम, यू रैट? झूठी कहीं की मिस। क्या सब कुछ ठीक है? प्लीज मुझे आप लेने आ जाओ, दीदी ने आकर यहाँ सब गड़बड़ कर दी है। प्लीज मुझे लेने आओ बरिस भाई। ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम स्कूल में ही हो ना? किराज? बरिस भाई। क्या हुआ बेटा? बरिस भाई प्लीज मेरी मदद कीजिए, दीदी ने स्कूल में आकर सब कुछ कर दिया। शांत हो जाओ, हुआ क्या? तुम स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैंने स्कूल से सिक लीव ली है। ये बताओ, दीदी की वजह से हुआ, वो सुबह स्कूल आई थी और लंबी चौड़ी स्पीच देकर निकल गई। उन्होंने मुझे रैग कहकर टीज भी किया, अब तो बात और भी बिगड़ गई। आई हेट हर, मैं वहाँ कभी वापस नहीं जाऊंगी। बरिस भाई मैं कभी नहीं जाऊंगी दीदी के पास, आप मेरी मदद कीजिए। पहले रोना बंद करो तुम, ये देखिए शांत हो जाओ। उन्होंने मेरे बैग के साथ, देखिए आप, उन्होंने मेरे बैग में कचरा डाला है और ये सिर्फ दीदी की वजह से मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं उन लोग। देखिए रुक जाओ, शांत हो जाओ। ओ किराज मेरी बात सुनो, पहले शांत हो जाओ, रोना बंद करो और यहाँ से चलो। लगता है मेरे फ्रेंड को आज भी क्लिनिक संभालनी पड़ेगी। चलो आओ।